शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। अगर कहीं धुआं है इसका मतलब है कहीं ना कहीं आग लगी थी। आपका स्वागत है, मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं आपसे साइकोलॉजी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हर एक काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, उस वजह का पता लगाना ही एक साइकोलॉजिस्ट का, मनोवैज्ञानिक का काम होता है कि उसके पीछे वजह क्या है, हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है, ह्यूमन माइंड जो है वो कैसे काम करता है। आज साइकोलॉजी के तीन ऐसे क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट के बारे में आपसे बात करूंगा जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। जी हाँ, आज कोई थ्योरीबाजी नहीं रहेगी, ओनली प्रैक्टिकल प्रूवन एक्सपेरिमेंट हैं जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हमारा ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन माइंड वह काम करता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पहला एक्सपेरिमेंट, फ्रिजी विग एक्सपेरिमेंट। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है लुक मैटर करता है या नहीं करता है? छोड़िए, आपको हो सकता है लगता हो कि लुक कभी कभी लव और लाइफ में मैटर नहीं करता, लेकिन जो साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है वो तो कुछ और ही शो करता है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये छोटी सी क्लिप देखिए। खूबसूरती की शुरुआत लक्स सिर्फ 20 रुपए में। खूबसूरती की शुरुआत लक्स सिर्फ 20 रुपए में। इस क्लिप में दीपिका पादुकोण को ही क्यों लिया गया, कोई भी एक्ट्रेसेस को ही क्यों लिया जाता है? क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव पर्सन से फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है हमारे लिए, इसीलिए एक्ट्रेसेस को एडवर्टाइजमेंट में लिया जाता है। फ्रिजी विग एक्सपेरिमेंट, इलियट एरोंसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक गर्ल स्टूडेंट थी उसको लिया, क्लिनिकल साइकोलॉजी के उसे स्टूडेंट के रूप में एक जगह बैठा दिया गया। उसको मेल पार्टिसिपेंट का केबल और केबल टेस्ट लेना था, टेस्ट लेने के बाद उनको फीडबैक देना था। वो लड़की नेचुरली अट्रैक्टिव थी, लेकिन उसको कभी अट्रैक्टिव बना दिया जाता, ब्यूटीफुल बना दिया जाता, और कभी उसे अगली बना दिया जाता, उसका बहुत बुरा मेकअप कर दिया जाता, उसका बाल और बिल्कुल फ्रिजी विग मतलब की है कि जो उसके बाल थे वो बिल्कुल खड़े खड़े कर दिए जाते थे। उसने आधे लोगों को पॉजिटिव फीडबैक दिया और आधे लोगों को निगेटिव फीडबैक दिया। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इसके बाद जो परिणाम आए वो आपको हैरान कर देंगे। परिणाम ये आए कि जब वो लड़की ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगती थी, तब जब उसने फीडबैक दिए, तो जब पॉजिटिव फीडबैक देती थी तो जो मेल लोग थे वो बहुत खुश हो जाते थे ऐसे, और जब उसने निगेटिव फीडबैक दिया एज ए ब्यूटीफुल तो लोग अपसेट हो जाते थे, उनको बहुत बुरा लगता था। इससे भी हैरान कर देने वाली बात क्या थी कि जब वो ब्यूटीफुल नहीं लग रही थी, अनअट्रैक्टिव और अगली लग रही थी, तब उसने जो फीडबैक दिए लोगों को, तो चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक दे रही थी या निगेटिव फीडबैक दे रही थी, किसी को कोई मतलब ही नहीं रहता था, सब कोई ऐसे बैठे रहते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और मजे की बात यह है कि जब वो ब्यूटीफुल लगती थी तो जो लोग निगेटिव फीडबैक प्राप्त किए थे वो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि इस लड़की से हम बाद में मिलें और इसे हम प्रूव करें कि नहीं, तो जो तुम सोच रही हो वो हम नहीं है, हमारी पर्सनालिटी और अच्छी है। इसीलिए तो बोलता हूँ कि हर जगह क्यों ब्यूटीफुल और एक्ट्रेसेस का यूज़ किया जाता है, दीपिका पादुकोण की जगह मेरे गांव की रामकली का क्यों नहीं यूज़ किया जाता? मतलब ये है कि फीडबैक फ्रॉम अ अट्रैक्टिव पर्सन मैटर्स टू अस। इसीलिए ये फ्रिजी विग एक्सपेरिमेंट हमारे लिए बहुत क्रांतिकारी और बहुत यूजफुल है, और इससे हमें ये पता चल गया कि लुक का मैटर कितना ज़्यादा करता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है अ क्लास डिवाइडेड बाय जेन एलियट इन 1968 इन अ क्लास रूम। इसको प्रेरणा कहाँ से मिली इसको एक्सपेरिमेंट को करने की? देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जब मार दिया गया तो उसके कारण पीछे था कि वो काले थे, जातिवाद और नस्लवाद के कारण उनको मार दिया गया। तो इसी चीज को समझाने के लिए जेन एलियट ने अपने क्लास में ये एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें ब्लू आइज वाले लड़कों को अलग कर दिया गया, नीली आंखें वालों को और भूरी आंखें वालों को भी अलग कर दिया गया, और ये बोला गया कि जो नीली आंखें वाले लड़के होते हैं वो ज्यादा होशियार, ज्यादा सुपीरियर होते हैं बजाय कि भूरी आंख वालों के। भूरी आंख वालों को बोला गया तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग बदतमीज हो, तुम लोग दूर ही रहना इन लोगों से, चूंकि तुम लोग इनसे कम हो। परिणाम जो आए चौंकाने वाले आए, परिणाम ये आया कि जो नीली आंख वाले थे उनका परफॉर्मेंस बढ़ गया था, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे थे, और वो बुली भी करने लगे थे जो कि भूरी आंख वाले लड़के थे। जैसा कि होता है कि हम बड़े लोग होके छोटे छोटे लोग को दबाने लगते हैं, वही होने लगा, और भूरी आंख वालों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया।
उनका परफॉर्मेंस भी लूज हो गया। अरे ये तो चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट था। हाँ, और सुनिए, इससे भी चौंकाने वाली बात ये थी कि जब इस एक्सपेरिमेंट को उल्टा कर दिया गया, मतलब बोला गया कि जो भूरी आंख वाले हैं वो ज्यादा होशियार होते हैं और जो नीली आंख वाले हैं वो थोड़ा सा कमजोर होते हैं, बिल्कुल उल्टा कर दिया गया, इसके अंत तक जो परिणाम थे वो पूरी तरह उल्टे हो गए थे, पूरी तरह उल्टे हो गए थे दोस्त। आपको सच में ये हैरान करने वाली बात थी कि जैसा हम बोल देते हैं बच्चों को वैसा उनमें कितना प्रभाव पड़ जाता है। और इसीलिए कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें आउटर अपीयरेंस पे किसी के हम कोई भी अपना एक प्रेजुडिस, अपनी एक विचारधारा ना बना लें, उसे हम अच्छे से जानें। और नस्ल भेद, धर्म की राजनीति, भेदभाव, जातिवाद, ये सब ना करें। आमिर खान अपनी फिल्म तारे जमी पर भी यही बात कहते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो बातें हैं वो बच्चों को और एक पेड़ को कितना प्रभावित करती हैं, और अगर वो पेड़ को इतना प्रभावित करती हैं तो वो बच्चों को कितना प्रभावित करती हैं। आइए देखते हैं आमिर खान ने क्या बोला था अपने फिल्म में। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने सॉलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। सॉलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। इसलिए मैं हर एक माता पिता से ये कहना चाहता हूँ कि वो किसी भी बच्चे को कोई लेबल ना लगाएं कि ये गधा है, तू मूर्ख है, तू पढ़ने में एक भी होशियार नहीं है, उसका कंपैरिजन ना करें, क्योंकि हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ खासियत होती है। ज़रूरत है तो उस खासियत को समझने की, उस टैलेंट को समझने की और उसे प्रोत्साहित करने की, उसे उत्साह देने की, उसे साथ देने की, तभी वो दुनिया में कुछ नया और कुछ अनोखा कर सकता है। तो मेरे हाथ में क्या है? बॉल। अब आप सोचेंगे कि हिमांशु तिवारी बॉल लेके क्यों आ गया। तीसरा एक्सपेरिमेंट है, वो है सेलेक्टिव अटेंशन और इनविजिबल गोरिल्ला एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हम ये जानेंगे कि हमारी अवेयरनेस क्या है। इस एक्सपेरिमेंट को आपसे बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ थोड़ा सा माइंड पजल खेलें, थोड़ा सा गेम खेलें। देखिए, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, एक क्लिप। उससे पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन दे देना चाहता हूँ कि आपको ये देखना है कि जो वाइट कपड़ा पहने हुए टीम है वो कितनी बार बॉल को पास करती है, मतलब एक दूसरे को वो देते हैं। आपको ये गिनना है बड़े ध्यान से और नंबर गलत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद फिर मैं इसका रिजल्ट बताता हूँ। ओके, हाउ मेनी टाइम्स द प्लेयर्स वेयरिंग व्हाइट पास द बास्केटबॉल? How many passes did you count? अगर आपका आंसर 15 है तो आपका आंसर सही है। The correct answer is 15 passes. लेकिन क्या आपने एक बात एक्सपीरियंस की कि जब अटेंटिव टेस्ट ये हो रहा था, अवेयरनेस टेस्ट, तो क्या आपने बीच में एक गोरिल्ला को जाते हुए देखा? अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग इस बात को पकड़ने में फेल हो गए थे कि टेस्ट के बीच में गोरिल्ला आता है और गोरिल्ला रुकता है और फिर चला जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है कि हम उस गोरिल्ले पे ध्यान नहीं दे पाए? क्योंकि हमारा माइंड ऐसे वर्क नहीं करता। जब हम किसी एक चीज पे टोटली फोकस हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, तो हम फिर दूसरी चीजों को ओवरलुक कर देते हैं, उनमें ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि मल्टीटास्किंग इफेक्टिवली नहीं की जा सकती है। मल्टीटास्किंग केवल एक इल्यूजन है, क्लियर? अगर आपको सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता तो आप वीडियो के थर्ड पार्ट को, मतलब कि थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है उससे शुरू से देखिए। आप देखेंगे कि मेरे जो वेशभूषा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। पहले ये नहीं खुला था,
इसको मैंने खोला, ये नहीं मुड़े हुए थे, इसको मैंने मोड़ा। तो इस प्रकार इफ यू फोकस ऑन वन थिंग देन सिंपली यू मे ओवरलुक अदर्स। तो ये सिलेक्टिव अटेंशन का बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। तो मैंने आज आपसे बातचीत की तीन ऐसे क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट के बारे में जिन्होंने हमारी सोच को, हमारी अवधारणा को पूरी तरह से बदल दिया। अगर ये आपको थोड़ा सा भी रुचिकर लगे हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसे लाइक करिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े। और मैं ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट आपके लिए लाने वाला हूँ, तैयारी में हूँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट और लाऊंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारे साथ जुड़े रहिए, शेयर करके इसे फैला दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।